dear modern star today you will write question and answer of chapter 5 chapter name is minerals okay chapter name is minerals so uh, students you have already uh, completed exercise number 1 2 3 and today you will solve you will uh, write answer of exercise number 4 okay so note down question number 4 a question number 4 a क्वेश्चन इज वॉट आर रॉक्स इट मीन्स रॉक्स क्या है आपको आंसर लिखना है रॉक्स क्या है सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर इज रॉक्स आर सॉलिड मेटेरियल्स दैट मेक अप द आउटर रॉक्स आर सॉलिड मेटेरियल्स दैट मेक अप द आउटर लेयर और क्रस्ट ऑफ द अर्थ फॉर एग्जाम्पल लाइम स्टोन रॉक्स क्या है रॉक्स जो है वो रॉक्स आर सॉलिड मटेरियल सॉलिड मटेरियल होता है जो कि अर्थ क्रस्ट पर uh, जो है आउटर लेयर होती है जो अर्थ की जो क्रस्ट पर uh, वहां पर ये बनता है और इसका एग्जाम्पल है जैसे लाइम स्टोन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन इज हाउ आर रॉक्स डिफरेंट फ्रॉम मिनरल्स इट मीनस रॉक्स जो है वो मिनरल से कैसे डिफरेंट है उन लोग उनमें डिफरेंस क्या है रॉक्स एंड मिनरल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है उनको आपको राइट करना है सो आंसर इज अ रॉक इज मेड ऑफ मिनरल्स अ रॉक इज अ रॉक इज मेड ऑफ मिनरल्स आइदर एंटायरली ऑफ वन मिनरल एज इन लाइमस्टोन और टू और मोर मिनरल्स एज इन ग्रेनाइट

और बहुत ही यूजफुल सब्सटेंसेस डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर इनको एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के तौर पर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन के तौर पर लेते हैं ओके सो दिस रॉक जो है वो डिफरेंट कैसे हुआ क्योंकि रॉक जो मिनरल से ही बनते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी इट मीन फोर्स वॉट आर ओर्स और क्या है ओट्स क्या है गिव टू एग्जाम्पल्स और उसके उनके ओट्स के कोई दो एग्जाम्पल बताइए ओके सो आंसर इज सी फोर आंसर ओट्स आर दोज रॉक्स ओट्स आर दोज रॉक्स दैट कंटेन मेटेलिक मिनरल्स ओनली फॉर एग्जाम्पल मैगनीज एंड आयरन ओर Ores, वो रॉक होते हैं जो कि मेटेलिक मिनरल्स होते हैं तो मिनरल्स टू टाइप्स होते हैं मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल होता है तो, तो वो जो सॉलिड होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी व्हाट आर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स इट मीन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होता है सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी ओके मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स ओके दिस इज अबाउट मेटेलिक मिनरल्स दोनों में डिफरेंस लिखना है तो फर्स्ट आप लिखिए मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स फॉर एग्जाम्पल मैगनीज एंड कॉपर इट मीन्स मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है मेटल होता है जिसका एग्जाम्पल है मैगनीज एंड कॉपर कॉपर जो है सॉलिड होते हैं इसमें इनमें जो है मेटल होता है इसलिए इसको मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं नेक्स्ट टेलिक मिनरल्स डोंट कंटेन मेटल्स इसमें किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं होता है एग्जाम्पल आपका है मीका एंड जिप्सम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत हार्ड नहीं होते हैं जो मेटेलिक इसमें आपका चौक भी आता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ई वॉट आर मिनरल फ्यूज मिनरल फ्यूज क्या है ओके okay. व्हाट आर दे आल्सो नोन एज फोसिल फ्यूल्स इट मीन मिनरल फ्यूल्स क्या है और उनको फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जाना जाता है ऐसा क्यों है ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4E, नोट डाउन, कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कोल मिनरल फ्यूल्स stop mineral fuels are also known as fossil fuels because they are because they are formed from the decomposed remains of plants and animals that remained worried that remained. मिलियंस ऑफ इयर्स ओके तो ये जो आपके मिनरल्स हैं कौन कौन कोल पेट्रोलियम कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स इनको मिनरल फ्यूल्स कहते हैं अब इन मिनरल फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से क्यों जाते हैं जानते हैं क्योंकि हम इसको ईंधन के मिनरल फ्यूल्स आर आल्सो नोन एज दे आर फ्रॉम फॉर्मडोस्ट रिमेन्स एनिमल्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोस्ट होने के बाद ही ये फॉर्मड होते हैं ये बनते हैं इनको बनने में बहुत टाइम लगता है ओके रिमेन वरीड वरीड मीन्स है कि ये कहीं uh, किसी uh, जो है अंडर द अर्थ जो है काफी uh, सालों तक वहां पर दबे रहते हैं फिर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है आपका कोल है पेट्रोलियम नेचुरल गैस टाइप के मिनरल फ्यूज जो है डेवलप हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ नेम द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इट मीन्स कॉपर के एरिया में कॉपर जो है उसमें उस क्षेत्र में वर्ल्ड में कौन सा वो देश है कौन सा प्लेस है जो मेजर प्रोड्यूसर है वॉट आर इट्स यूज कॉपर का यूज क्या होता है ओके सो राइट आंसर ऑफ एफ वॉच द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड आर चाइना मैक्सिको चिली कॉमा पेरू कॉन्गो एंड जामीबिया लिसन अगेन द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर वर्ल्ड आर चाइना मैक्सिको चिली पेरू, कंगो एंड जामेबिया फुल स्टॉप इट मीन्स जो मेजर प्लेसेस हैं वो चाइना है मैक्सिको है चिली है पेरू है कांगो है जामिबिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इसका यूज क्या होता है कॉपर का ओके सो नोट डाउन ओके कॉपर इज यूज इन इलेक्ट्रिकल बायर्स ओके कॉपर का यूज जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड एलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रोंज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक ब्रास एंड ब्रोंज की तरह जो है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जी मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ कोल कोल के कोई दो uh, उपयोग लिखने यूज लिखने क्या होते हैं so right answer of this question okay coal is used to generate thermal power coal is used to generate thermal power full stop it is also required in cement chemical okay chemical and steel इंडस्ट्रीज ओके कोल का यूज किया जाता है थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक को जनरेट करने के लिए एंड इट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन सीमेंट सीमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी रिक्वायरमेंट होती है सो नंबर वन कोल इज यूज टू जनरेट थर्मल पावर नंबर टू इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सीमेंट कैमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एच Explain दट two important मैथड्स ऑफ माइनिंग माइनिंग मीन्स जो uh, खादान की खुदाई होती है माइनिंग होती है उसके टू मैथड जो इंपॉर्टेंट मैथड्स के बारे में लिखना है सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन ओपन कास्ट ओपन कास्ट फर्स्ट मैथड है ओपन का कास्ट हेडिंग ओपिन कास्ट राइट है दिस इज अ टाइप ऑफ सरफेस माइनिंग ये वो माइनिंग है जो की सरफेस इट मीन अर्थ सरफेस पर की जाती है दिस इज अफ सर मिनरलो टू दर्फेस इट मीन जो सरफेस जो आउटर लेयर है अर्थ का वहां पर अवेलेबल होता है तो इसको ओपिन कास्ट माइनिंग कहते हैं ओके दिस इज टाइप ऑफ सरफेस माइनिंग दैट इज कैरीड आउट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग ये माइनिंग जो है अंडरग्राउंड होती है इट मीन जमीन को खोद कर होती है सो स्टूडेंट इन अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ फर्स्टली यू विल राइट सेकेंड है सॉफ्ट माइनिंग दिस इज अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग कैरीड आउट यूजअली फॉर कैरीड आउट यूजअली फॉर मिनरल्स सच एज कोल कॉमा विच लाय विच लाए एट ग्रेट डेप बिलो द ग्राउंड ओके ये अंडरग्राउंड माइनिंग होती है यूजली फॉर कोल जो है ये underground, जो है माइनिंग होती है, like है वहां पर ब्लो नीचे जो सरफेस अर्थ uh, है अर्थ क्रस्ट एरिया उसके कुछ उसके नीचे जो डेप्थ में गहराई में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आई मेंशन एनी थ्री माइनिंग ओके माइनिंग के हजार्स क्या है थ्री हजार्स क्या है नुकसान भी तो कुछ है फायदे नुकसान दोनों होते हैं सो मेंशन एनी थ्री ऑफ माइनिंग क्या क्या फर्स्ट माइन डस्ट क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन सबसे पर माइनिंग से क्या होता है माइंड जो है वो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है माइंड डस्ट क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इन इनहेलेशन लीड्स टू मॉल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स ह्यूमन बींग्स ओके माइंड डस्ट जो क्रिएट uh, होता है ये

Uh, जो फ्लडिंग फ्लडिंग ऑफ अंडरग्राउंड माइंस में कॉज कैजुअलिटीज जो है क्रिएट कर सकती हैं तो ये uh, second, है हजार है हजार्ड थर्ड एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन माइंस एक्सीडेंट कॉमन होता है क्योंकि आप जितना अंदर माइनिंग करते जाए कि वहां पर uh, बहुत तरह की गैसेस डेवलप हो जाती है सीओ टू जो, जो जो भी माइनिंग एरियाज हैं मोस्टली वहां तो, uh, पर तो वहां पर डार्कनेस बहुत होती है ओके okay? तो एक्सीडेंट आर कॉमन इन माइंस माइंडेट एडिकेट एडिकेट ओके प्रीकॉशनरी मेजर्स आर प्री कॉशनरी फुल स्टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जे स्टेट एनी थ्री मैथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं मैथड्स आपको लिखने हैं फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ R's reuse, reduce and recycle. reuse means उसको फिर से यूज करना रिड्यूज मीन्स uh, जो है उसको reduce करना एंड रिसाइकल uh, जो है उसको uh, recycle मतलब फिर से उ, उसको नए फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हम मिनरल्स को ऐसे बचा सकते हैं ओके okay? सो so, uh, three आर के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ three आर reuse, reduce रिड्यूस एंड should शुड बी फॉलोड

Judiciously, okay. So, students, your questions of this chapter, chapter means chapter 5 minerals, have been completed. So, it's enough for today, okay.